नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष यादव और आज आपके लिए ले आया हूं मैं वीडियो किया सोनेट HTX मॉडल IMT ट्रांसमिशन में। ये होती है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब कि अभी आपको बताऊंगा मैं, पहले आप बाहर से चेकआउट करवा दूं गाड़ी। जो ये गाड़ी आपको पड़ती है 12,21,000 रुपये की ऑन रोड, तो काफ़ी अभी इंडिया मार्केट में छाई हुई है ये गाड़ी, मिड सेक्शन में काफ़ी छाई हुई है इंडिया मार्केट में। ये गाड़ी मिड सेक्शन की SUVs में आती है, ब्रेजा को काफ़ी टक्कर दे रही है ये गाड़ी, आपकी अर्बन क्रूज़र को भी बहुत टक्कर दे रही है ये गाड़ी। अर्बन क्रूज़र और ब्रेजा तो आपको पता ही है, दोनों सेम है ये गाड़ियाँ। और ये हमारे साथ इनके प्राउड ओनर डॉक्टर मुकेश, और ये गाड़ी इनको बिलोंग करती है। अब इनसे कुछ सवाल जवाब भी करेंगे गाड़ी की, आप एक बार बाहर से एक्सटीरियर से इसकी खूबसूरती को निहार लीजिए, मतलब काफ़ी मार्केट में काफ़ी चल रही है ये गाड़ी ना। और 2 दिन पहले ही इन्होंने गाड़ी की डिलीवरी ली है। गाड़ी की डिलीवरी के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गया हुआ था और डॉक्टर साहब को जल्दी थी गाड़ी लेने की। और गाड़ी में आप गाड़ी के टायर्स की प्रोफाइल आपको 215/60R16 की प्रोफाइल मिल जाती है और विद डायमंड कट अलॉय व्हील्स। और गाड़ी की आपको मैं बता दूं, लुक बहुत ही अच्छी लग रही है, कलर एक नंबर का लिया है डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल ग्रे मेटालिक कलर है ये, और ग्रेविटी ग्रे जो मतलब कंपनी कहती है ग्रेविटी ग्रे, तो मेरे को काफ़ी पसंद आ रही है ये गाड़ी। और मतलब अगर आप ब्रेजा वगैरह ले रहे हैं तो देखो रेट का डिफरेंस है, लेकिन आपको जो इसमें खासियत मिलेंगी वो आपको ब्रेजा में नहीं मिलेंगी। और गाड़ी का कुछ अंदर से इंटीरियर चेकआउट करवा देता हूँ। कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग है, नीचे से फ्लैट स्टेयरिंग व्हील है, और आपकी सीट्स क्रीम कलर के 2-टोन इंटीरियर्स मिलते हैं इसमें आपको। और अब आपको गाड़ी के अंदर बैठ कर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपको मैनुअली सीट एडजस्ट करने को मिलेगी, आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं मिलती है, 12 लाख रुपए में आपको इतने सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको इंटीरियर देखिए, आप इंटीरियर कितना सुंदर है इसका, मीडिया सेटअप कुछ इस तरीके का, ब्लूटूथ एंड्रॉयड पूरा प्ले है इसका म्यूजिक प्लेयर, और बॉस के स्पीकर्स मिल जाते हैं आपको साइड्स में, चारों दरवाजों में स्पीकर्स मिल जाएंगे, और काफ़ी अच्छी आवाज़ है, कोई डिसेंट आवाज़ है, मतलब इतनी कोई वो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया। और तो दोस्तों कुछ इस तरीके की इसकी की है, और ये कवर लगा रखा है, ये किया वालों ने ही इसका की कवर दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और की इसकी बहुत, स्टार्ट स्टॉप इंजन का यहाँ पे आपको स्विच मिल जाता है जो कि आप ऑन करते के साथ ही स्टेयरिंग को सीधा करके, अब आपको दिखाता हूँ ये नीचे से फ्लैट इसका स्टेयरिंग है, राउंड में नहीं है और काफ़ी अच्छी है। तो अंदर से कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे आपका डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा, और गाड़ी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगी, और ब्रेक पे लगाते के साथ ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और फ्यूल अभी लो है क्योंकि ज़्यादा चलना नहीं होता है, कुल ही 7-8 किलोमीटर की ड्राइव है डॉक्टर, 561 ये लेने के बाद ये यहाँ पे गए थे अकला जी महाराज के दर्शन करने गए थे। और अंदर से कुछ इस तरीके का आपको स्टीरियो मिल जाएगा जो कि एप्पल एंड्रॉयड इसका प्ले है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे आपको 12 वोल्ट के सॉकेट और USB पोर्ट, और यहाँ पे आपको चार्जिंग के लिए पॉइंट भी मिल जाएगा अलग से, और AC के कंट्रोल सारे यहाँ पे मिलेंगे। और AC वेंट्स देखिए आप कितने मतलब कि अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ पे मैंने AC चालू कर दिया है अभी फिलहाल, 26 पे कर रखा है, और हम इसको थोड़ा ठंडा करते हैं क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है, और बिल्कुल मिनिमल पे। और कुछ अंदर से इस तरीके की दिख रही है, और मैं अभी आपको बता रहा था जो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन ये होता है जी, इसमें आपके रेस और ब्रेक आता है जैसे कि आपके ऑटोमेटिक में आता है उस तरीके का ही है, लेकिन इसमें आपको गियर शिफ्टिंग अपने हाथों से ही करनी पड़ेगी, आपको डी ड्राइव पे नहीं डाल सकते हो, ये सेमी ऑटोमेटिक मान लीजिए आप इसको, ऑटोमेटिक भी नहीं है और ऑटोमेटिक है भी, ऑटोमेटिक इसलिए क्योंकि आपको गियर शिफ्टिंग के लिए पहले ब्रेक पैड पे पाँव रखना पड़ेगा, ब्रेक पैड जैसे ही आप दबाएंगे आप इसको पहले गियर पे लगाएंगे, पहले गियर पे लगा दिया गाड़ी को और ऑटोमेटिक की तरह चलाइए। तो ये है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, तो इसमें आपको क्लच की नहीं जरूरत पड़ेगी, खाली आप यहाँ से ऐसे गियर चेंज कर सकते हैं विदाउट क्लच। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ये बताइए, आपने अगर मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक ली है, आप ऑटोमेटिक ही ले लेते उसमें, इसमें रेट का डिफरेंस कर, ऑटोमेटिक का क्या है कि ऑटोमेटिक में अगर जब हम जो है ना फास्ट भगाना चाहते हैं इसमें हम जो है ना गियर डाउन करके कहीं भी बाहर फास्ट निकाल सकते हैं, और ऑटोमेटिक में जो है ना अपने आप वो जो है ना गियर चेंज करेगी, उसे इतनी ज़्यादा एमरजेंसी में फास्ट नहीं भगा सकते।
हाँ तो ये ही एक वो है, कहते हैं ना कि मैनुअल गाड़ी बहुत तेज भगती है बजाय ऑटोमेटिक के, तो उसी लिए ही ये आपकी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन आई है मार्केट में, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपको एक तो मैनुअल का भी मज़ा मिल जाएगा और ऑटोमेटिक का भी मज़ा मिल जाएगा, दोनों चीज़ों का मज़ा। आप अपने हिसाब से गियर चेंज कीजिए, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और फोर्थ, मतलब कि आपको अगर गियर शिफ्टिंग करनी है, जैसे कि आप किसी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी में चला रहे हो, तो वो आपके पैडल के हिसाब से चेंज होगा उसका गियर। अगर मान लो आप चाह रहे हो कि मैं रेस लगानी है, तो वो सीधा सेकंड गियर पे नहीं आएगा, वो पहले थर्ड गियर पे आएगा, फिर ही वो आपका पिकअप बढ़ेगा। और इसमें आप अपने हिसाब से सेकंड गियर पे इसको लगा के चला सकते हो। तो कुछ इस तरीके की है, अंदर से कुछ इस तरीके की दिखती है गाड़ी। यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट मिल जाएगा आपका पूरा कंफर्टेबल, और पे आपको थोड़ा सा कंपार्टमेंट भी मिल जाएगा, कंपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है, स्पेशियस है, इसमें आप अपने पर्स वर्स रख सकते हो। और डबल एयर बैग के साथ ये गाड़ी आती है, एक तो पैसेंजर साइड का और इधर ड्राइवर साइड का जो स्टेयरिंग में है। और ये देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन का पूरा वो दिया हुआ है कि क्लच नहीं है इसमें, कौशल दे रखा है पूरा, जिस भाई को भी डाउट हो अपना थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। और मैं ये तो मेन फीचर भूल ही गया था, सनरूफ भी है इस गाड़ी में, मतलब इतना प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन हाँ है, बच्चे तो निकल ही सकते हैं इसमें, कोई बड़ा तो नहीं, कोई मतलब मेरे जितना हैवी आदमी तो नहीं निकल सकता, लेकिन बच्चे निकल सकते हैं, डॉक्टर साहब के दो बच्चे हैं, वो आराम से इसका फ़न लेंगे। और हाँ जी, ये एयर वैक्यूम के लिए, हाँ ये उठ गया ना, ये उठ गया, हाँ ये एयर वेंट के लिए आपका ये भी उठ जाता है, मतलब पूरी फैसिलिटी दी हुई है किया वालों ने। तो 12,21,000 रुपये अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, मतलब इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मिल रही है, और प्लस में सनरूफ मिल रही है, और मतलब कि आपको स्पेशियस गाड़ी और लग्जरी लाइन लुक वाइज भी अच्छी लग रही है गाड़ी, तो इस हिसाब से गाड़ी कुल मिला के ठीक है। तो डॉक्टर साहब आइए थोड़ा सा बाहर से एक बार और भाइयों को दिखा देते हैं। तो बिल्कुल आगे से इसकी गाड़ी की लुक जो है ना, बहुत ही प्यारी लगती है। और पीछे से मैं आपको इसकी सीटिंग पोजीशन भी दिखा देता हूँ, पीछे से मतलब कितनी कंफर्टेबल है कितनी। तो डॉक्टर साहब अब आपको बैठ के दिखाएंगे गाड़ी के अंदर कि कितना स्पेस है। डॉक्टर साहब बैठिए पीछे, और लेग रूम दिखाइए, मतलब काफ़ी स्पेस है यहाँ पे ना, करीबन 5 उंगल का फ़र्क है। तो पीछे भी AC वेंट्स दे रखे हैं, और बिल्कुल लग्जरी की फील देती है आपको गाड़ी। बूट स्पेस और दिखा देता हूँ मैं गाड़ी का, अब आपको बूट स्पेस देखिए कितना ज़्यादा बूट स्पेस है यहाँ पे। तो कुल मिला के गाड़ी बहुत सुंदर है। तो दोस्तों पीछे बैठ के मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का AC वेंट्स मिल जाएंगे पीछे की साइड में, और आपको यहाँ पे लेदर स्टिचिंग के कुछ फैब्रिकेशन मिल जाएगा आपके डोर में, और यहाँ पे आपको इन बिल्ट कर्टन्स भी मिल जाते हैं इस गाड़ी के, जो कि इसमें खुद ही किया अपनी देती है। तो ये चीज़ें जो ये फीचर्स है ना, ये गाड़ी को मार्केट से अलग कर देती हैं बिल्कुल। आप देखिए, अब देखिए पीछे की तरफ से कितनी सुंदर लग रहा है, डैशबोर्ड देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है इसका। चलने की बारी आ गई है, और डॉक्टर साहब मेरी वीडियो बनाएंगे और मैं आपको गाड़ी चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके की ये गाड़ी है चलने में। तो यहाँ पे सिस्टम चेक का आ जाता है पूरा, और पहले गाड़ी स्टार्ट होने से पहले जो भी इसमें दिक्कत है, जैसे कि लो फ्यूल है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आ जाती है पूरी। और यहाँ पे आपका सारा जो कनेक्टिविटी वो सब दिखा देता है, ये आपका म्यूज़िक सिस्टम। और गाड़ी चलाते हैं अब, देखिए इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन को, गाड़ी का आपको यहाँ पे गियर लगाना पड़ेगा, और ब्रेक पे आपके पैडल पे पाँव होना चाहिए तभी गियर लगेगा। और अब अपने हिसाब से आपको गियर शिफ्ट करने हैं। अब जैसे मैंने सेकंड पे लगा दी है गाड़ी, और थोड़ा सा वीडियो आपको दिखेगी कि हिल रही है ज़्यादा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रहा हूँ और डॉक्टर साहब को भी वीडियो बनाने का कोई वो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हम कोई मतलब कि नौ से किया है, एमेचर लोग हैं, इतना कुछ वो हमें आता नहीं है। सीट बेल्ट लगा लेते हैं गाड़ी को रोक के, और यहाँ पर मैंने गाड़ी को न्यूट्रल में डाल दिया है,
और न्यूट्रल में डालते के साथ ही यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाता है एन पे आ गई गाड़ी। और मैं ये सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, यहाँ पे सीट बेल्ट लगते के साथ ही शांत हो गई है गाड़ी। और यहाँ पे नॉर्मल जैसे मैनुअल गाड़ियों में गियर लगता है ऐसे गियर लगा लिया है मैंने। नीचे देख सकते हो आप कि मैं यही गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पे स्पीड देख सकते हो, आगे रोड देख सकते हो आप। और मेरे को तो देखो कुल मिला के ठीक लगी, कोई इतनी वो नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग YouTube पे इस चीज़ को कह रहे थे कि ये एक स्मार्ट डिसीजन नहीं होता है कि आप मैनुअल ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिक इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ी लेके आइए। तो कुछ अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चल रही 35 पे और ये मैंने गियर चेंज किया। तो गियर चेंज करने के लिए मेरे को क्लच पे पाँव नहीं दबाना पड़ा, ये इसका प्लस पॉइंट है। बस इसी चीज़ के लिए ये गाड़ी चल रही है। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं और गाड़ी मूविंग है हमारी 40 की स्पीड पे, तीसरा गियर लगा हुआ है। तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी को अच्छी चल रही है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा रिव्यू इस गाड़ी का, किया सोनेट IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।